और इन सब के बीच में अलग अलग जगहों पर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर पर विजय यात्रा निकालने की या विभिन्न रैली यात्रा निकालने की जद्दोजहद में है। सपा की बात करें तो सपा आज लखनऊ में विजय यात्रा का 8वें चरण की शुरुआत करने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें, सपा की विजय यात्रा का आज 8वां चरण होगा और 21 दिसंबर से शुरू होगी विजय यात्रा। मैनपुरी से एटा जाएगा ये विजय रथ, 28 दिसंबर को नाव से शुरू होगा इसका 9वां चरण। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर कोई अपनी अपनी पार्टियों के लिए लगातार यात्राएं निकाल रहा है, रैलियां कर रहे हैं। अंदाजा यही है कि जनवरी में आचार संहिता लग सकती है और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जनवरी में शायद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर दे। लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल जो जानकारियां हैं वो रैलियों को लेकर के खूब जोर पकड़ती हुई, क्योंकि इस समय सभी पॉलिटिकल पार्टियां पूरी जान जोखती हुई नजर आ रही हैं। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जिले जिला जाकर प्रचार प्रसार में जुटे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं और इस बीच विजय यात्रा रथ का 8वां चरण शुरू होगा। सपा की ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत 21 दिसंबर से होगी, मैनपुरी से एटा तक ये विजय रथ जाएगा और इसके साथ ही 28 दिसंबर को नाव से इसका 9वां चरण भी शुरू होगा।